दक्षिणी हिस्से में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। कुछ रोज पहले ही मौसम विभाग ने कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की थी, लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का अनुमान जताया था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दिन के समय में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कुछ इलाकों में आंधी आने की आशंका जताई गई। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर, असम और मेघालय में अगले 3 दिन के दौरान बारिश हो सकती है, लेकिन ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में तेज गर्मी और हीट वेव का अनुमान जताया गया। इन राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी गर्मी अपने रंग दिखाएगी, जबकि पिछले एक हफ्ते से दक्षिण भारत के राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। 2 और 3 अप्रैल को बेंगलुरु का तापमान दिल्ली के तापमान से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 2016 के बाद बेंगलुरु में पहली बार अप्रैल में इतनी ज्यादा गर्मी हुई। हालांकि बेंगलुरु में 11 अप्रैल के बाद बारिश का अनुमान जताया गया। उधर झारखंड के जमशेदपुर में उस वक्त दहशत फैल गई जब हथियारों से लैस